मित्रों नमस्कार, भारत माता की जय, वंदे मातरम, जय श्री राम, हर हर महादेव। मैं अपने एक मित्र के यहाँ पे आया हुआ था और ये जो जगह है ये अमेठी से लगभग, ये जगह जो अमेठी से है लगभग 50-60 किलोमीटर है। मैं अमेठी को देखा, मैंने अमेठी को समझा और इसके बाद फिर अब मैं इस समय सुल्तानपुर में हूँ जो कि मेनका गांधी का लोकसभा क्षेत्र है। यहाँ पर रुक दीजिएगा गाड़ी, ठीक है, एक मिनट के लिए, यहाँ पे इस जगह पे। तो इस जगह पर मैं आपको अगर दिखाऊं तो यहाँ पे हम थोड़ी चुनाव की चर्चा तो करेंगे, लेकिन उससे पहले मैंने कहा कि एक बार जरा थोड़ा सा मैं आपको ये पेड़ दिखाता हूँ। और ये पेड़ जो है ये हमारे पूर्वजों का लगाया हुआ पेड़ है, तो हम जब यहाँ पे आते हैं तो हम यहाँ पे जरूर जाकर के एक बार इसको प्रणाम करते हैं। और ये मैंने प्रणाम किया, मैं दोबारा से गाड़ी में बैठने जा रहा हूँ। तो दरअसल मैं जो आपसे कहना चाह रहा था वो ये कहना चाह रहा था कि अभी कुछ नहीं, मैं आपसे जो कहना चाह रहा था वो ये कहना चाह रहा था कि ये जो पूरी की पूरी एक सीट है सुल्तानपुर की, इसको बंद कर दीजिए। ये जो पूरी सुल्तानपुर वाली सीट है इसकी चर्चा तो करेंगे ही, साथ में अमेठी की चर्चा भी करेंगे, क्योंकि यहाँ सुल्तानपुर में वोटिंग होने जा रही है और यहाँ पे वोटिंग जो है वो होने जा रही है 25 तारीख को। और इस पूरी अगर हम वोटिंग की चर्चा करें मित्रों, तो अभी यहाँ पे जो स्थितियां हैं वो आप समझ लीजिए कि सबसे ज्यादा दिलचस्प जो चुनाव है वो सुल्तानपुर का चुनाव कहा जा रहा है। इसके अलावा अमेठी का चुनाव जो है उसका नतीजा क्या रहा है, क्योंकि मैं अमेठी में काफी वहां देख के मैं आया और जो समझ में मुझे आया मैं आपको यहाँ बताऊंगा कि वहां पे क्या स्थितियां इस वक्त बनी हुई है अमेठी के अंदर। तो दरअसल हम आपको बताएं यहाँ पर कि जो लोग एसी कमरों में बैठते हैं या अगर कहें आपसे, तो जो लोग भी एक इस तरह की पत्रकारिता करते हैं जो कि सोचते हैं कि बंद कमरे से ही हम समझ लें कि आखिर देश का मिजाज क्या है, तो दरअसल वो कभी भी इस चीज को समझ नहीं सकते। क्योंकि मैं आपको बताऊं कि जो लोग दिल्ली में बैठ करके या मुंबई में बैठ करके जो सोच रहे हैं वैसा बिल्कुल भी माहौल इस बार चुनाव का नहीं है। और वैसे मैं बताऊं आपको कि बीजेपी का ही समर्थक हूं मैं चाहता हूं कि बीजेपी जीते। और मैं अपने आपको मैं ऐसा पत्रकार हूं जो ये कहते हुए पत्रकारिता करता हूं कि हाँ मैं बीजेपी के साथ हूं, मैं कोई दलाल पत्रकारिता इस सब चक्कर में पड़ने वाला आदमी नहीं हूं। मैं सीधी सीधी बात करता हूं, जिस तरह से ब्रिटेन में एक इस तरह की पत्रकारिता होती है कि लोग पहले से घोषित होते हैं कि हम जो अखबार होता है पता होता है कि किसका समर्थक है, तो हम भी बीजेपी के समर्थक हैं। और बीजेपी को हराने के लिए सोचना या हिंदुत्व को हराने के लिए सोचना या हिंदू धर्म से गद्दारी करना हमारे लिए ये तो एक गोमांस खाने के बराबर है, और हम तो अंडा भी नहीं चूते तो गोमांस की तो बात की बात है। तो कुल मिलाकर के जो ये पूरा इलाका है, इस इलाके में जो मैंने लोगों से बातें की, जो मैंने बीजेपी कार्यकर्ताओं से बातें की, जो मैंने अमेठी में लोगों से जो समझा, वो मुझे ये समझ में आ रहा है कि बीजेपी ऐसा पार्टी देखा जाए तो प्रधानमंत्री मोदी का कार्यकाल काम तो बहुत अच्छा है, पर ग्राउंड लेवल पर जो सांसद के जनप्रतिनिधि हैं या सांसद के जो साथ के लोग हैं, जो कार्यकर्ता हैं या जो बीजेपी के वर्कर्स हैं, वो बहुत नाराज हैं। और उनकी आवाज को भी उठाना मैं समझता हूं कि बहुत ज्यादा आवश्यक है, और उसकी आवाज को हम जरूर उठाएंगे, यहां बात करेंगे पूरी। तो यहां पे मैं आपसे कुछ बातें जो बताना चाहता हूं, सबसे पहले अमेठी की बात करेंगे। अमेठी के अंदर अगर मैं देखूं तो मैं अमेठी में गया हुआ था और वहां पे जो है मैंने एक जगह पर एक कोई भोज का कार्यक्रम था, बेसिकली वहां पे उस भोज के कार्यक्रम में मैं काफी बैठा रहा वहां पे। और मैं आपको सही बता रहा हूँ कि अगर आप किसी से ये पता के बात करेंगे कि हम पत्रकार हैं या हम रिपोर्टिंग करते हैं, तो आपको शायद लोग कभी सही बात ना बताएं या बताएं अपने हिसाब से बताएं। लेकिन अगर आप जो है ना थोड़ा सा अगर आप वहां चुपचाप बैठ जाएंगे और वहां की चर्चा को सुनेंगे तो आपको बड़ा समझ में आएगा कि आखिर यहां पे कौन जीत रहा है कौन हार रहा है। तो मित्रों अमेठी के अंदर जो चर्चाएं बीजेपी वर्कर्स के बीच में नजर आ रही थी, मैं उन चर्चाओं को एक बार आपसे बताना चाहता हूं कि आखिर वो क्या चर्चा कर रहे थे और वहां पे किस तरह की चर्चा वहां पर हो रही थी। मार्केट है, मैं आपको दिखा रहा हूं, गांव की एक मार्केट है और यहां पे गांव की मार्केट देखिए, एक गांव की क्या कही सुल्तान, ये जो बेसिकली आप रोड देख रहे हैं ये सुल्तानपुर की रोड है जो अभी समय आप अलीगंज मार्केट में है यहां पे, और ये रोड जो है आगे जाती है वाराणसी तक जाती है, इलाहाबाद तक जाती है ये रोड, और पीछे ये रोड जो है लखनऊ को जाती है। तो यहाँ पे दरअसल यहाँ से जो लड़ रही है चुनाव वो तो मेनका गांधी लड़ रही है चुनाव, यहाँ पर भी इस समय सबसे ज्यादा चुनाव प्रचार चल रहा है, चुनाव प्रचार यहाँ पे जोरों पे। तो मित्र मैं आपको ये बता रहा हूँ कि जहां पर मैं गया था अमेठी के अंदर जहां पर की भोज का कार्यक्रम था, तो वहां पर मैंने इस चीज को महसूस किया कि क्योंकि वो सारे जो वोटर्स थे वो बीजेपी के ही वोटर्स थे और वो बीजेपी के ही परंपरागत वोटर्स रहे थे, क्योंकि वो ब्राह्मणों का ही एक तरह से भोज था, वहां पे ब्राह्मण बहुत अधिक संख्या में आए हुए थे और ब्राह्मणों को हमेशा से बीजेपी का वोट बैंक माना जाता है। तो वहां पे चर्चा क्या हो रही थी इसको मैं समझना चाह रहा था,
और चूंकि अगर मेरा ये मानना है कि कई बार अगर आप पत्रकार बनकर लोगों से बात करते हैं पूछते हैं तो लोग कई बार एक पार्टी लाइन को देखते हुए कई बार लोग अपनी बातों को कह रहे हैं रखने में हिचकते हैं या उस तरह से बात नहीं करते, लेकिन अगर आप उनसे चुपचाप वहां बैठ के सुने कि वहां बात हो क्या रही है, वहां पे क्या बातें चल रही है, तो आपको उससे बहुत कुछ समझ में आ जाएगा कि यहां पे आकर चुनावी हवा क्या चल रही है। तो वहां पे अमेठी की जो सीट है उसमें स्मृति ईरानी के बारे में मैंने बहुत सारी बातें सुनी वहां के चुनाव प्रचार को लेकर के क्या चल रहा है, तो मुझे उसमें ऐसी बहुत सी बातें चली जो कि बहुत निगेटिव बातें थी। पॉजिटिव बातें भी उसमें हैं लेकिन निगेटिव बातें भी ज्यादा सुनने को मिली, और उसकी वजह मित्र ये है कि स्मृति ईरानी का जो कह रहे हैं कि उनके अंदर जो एक अहंकार घर कर चुका है, उनकी जो पूरी बॉडी लैंग्वेज है, जो उनका पूरा बात करने का तरीका है, जिस तरह से वो कार्यकर्ताओं से व्यवहार करती है, मैं यहाँ पे मैं सुल्तानपुर में भी मैं घूमा, यहाँ पे अमेठी को भी मैंने देखा और यहाँ पे कार्यकर्ताओं से बात की तो वो बहुत ज्यादा दुखी नजर आते हैं। और उसकी वजह ये है मित्रों की मतलब मैं खुद भी इस बात को महसूस करता हूँ कि होता क्या है कि ये लोग दिल्ली में रहते हैं, यहाँ के लोकल नेता नहीं है, ये लोग यहाँ से बाहरी नेता है और ये लोग यहाँ पे आकर के जो है वो दिल्ली से आते हैं और आकर के यहाँ पे जो कार्यकर्ता है उनसे उनको ठीक तरह से तवज्जो नहीं देते, उनसे ठीक तरह से बात नहीं करते। इवन मैं बताऊँ आपको सुल्तानपुर की बता रहा हूँ आपको बात, तो यहाँ पे इसका असर भी पड़ रहा है, मतलब अमेठी की सीट पर तो बहुत ज्यादा असर है। तो मैं आपको बताऊं मित्रों कि जो आप समझ लीजिए कि पूरी जो स्थिति वो ये है कि अमेठी के अंदर बताऊं आपको मैं, तो अमेठी के अंदर एक ऐसी घटना हुई जहां पर कि एक कार्यकर्ता को अपशब्द कहे स्मृति ईरानी ने, और जो कार्यकर्ता के साथ जो लोग थे वो मेरे जानने वाले कुछ लोग थे और उन लोगों ने मुझसे ये बात बताई, तो वहां पे उस चीज को लेकर के काफी नाराजगी कार्यकर्ताओं में थी कि भाई आखिर आप इस तरह से बात कैसे कर सकते हैं। मैं आपको बताऊं मित्रों कि मैं ये जो चुनाव पूरा वीडियो बना रहा हूं, ये वीडियो मैं बना रहा हूं आज 22 तारीख है ना, आज 22 तारीख है और वहां पे अमेठी के अंदर वोट पड़ चुका है, तो मेरे इस वीडियो बनाने से अमेठी की सीट पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा, लेकिन मैं आपको जो हकीकत बता रहा हूं ये है कि उस वजह से वहां पे कार्यकर्ताओं ने नाराजगी है। आप सोचिए कि स्मृति ईरानी जो है मतलब क्या सोचिए कि सिर्फ 5 साल ही स्मृति ईरानी सांसद रही, लेकिन आज उनके अंदर इतना अहंकार नजर आता है, इतना ज्यादा वो किसी से सीधे मुंह बात नहीं करना चाहती है, अपने विरोधी को एकदम कुचल कर देना चाहती है। ये जो तरीका होता है ना, ये तरीका भी कभी कभी बहुत लोग पसंद नहीं करते, जैसे अगर मैं यहाँ पे गांधी परिवार की कभी प्रशंसा नहीं करता, मैं गांधी परिवार जो है वो लोगों का समझ लो कि बहुत लंबे समय से यहाँ पे अमेठी रायबरेली में अपना प्रभाव रखता है, दिल्ली में चाहे उसकी हरकतें कुछ भी हो, चाहे वो कितना ही घमंडी परिवार हो, हम सब जानते हैं उसकी हकीकत क्या है, लेकिन जब यहाँ अमेठी रायबरेली सुल्तानपुर के इलाके में ये परिवार आता है तो ये काफी विनम्र होकर के आता है, ये इस बात को समझता है कि यहाँ के जो लोग हैं ये लोग थोड़े इमोशनल टाइप के होते हैं, मतलब सामान्य लोग होते हैं, आए इनके पास खाना नहीं होगा तो ये भूखे रह लेंगे, लेकिन किसी की चार बात कुछ यहाँ सुनने वाला नहीं है। तो अगर आप इस तरह से व्यवहार करेंगे कार्यकर्ताओं के साथ तो कार्यकर्ता बहुत नाराज हो जाते हैं उससे, और कार्यकर्ताओं को कुछ कभी मिलता भी नहीं है, अगर कोई सोचे कार्यकर्ताओं को यहाँ कुछ मिल जाएगा तो उन्हें कुछ मिलना नहीं, उन्हें तो क्या मिलना है, ये सारे नेता 5 साल बाद आएंगे, 5 साल के पहले तो ये दिखेंगे नहीं, इसके बाद चुनाव होने के बाद संसद में निकाल तो दिखते नहीं, लोग कोई काम होता है तो काम तो करते नहीं। तो ये कार्यकर्ताओं के साथ समस्या यहाँ पे दिखने में आई, और मैंने आपको पहले ही मित्रों बताया था ये बात कि स्मृति ईरानी की जो सीट थी अमेठी में वो पूरी तरह से फंसी हुई सीट है, और इसकी वजह यही है इनका अहंकार, सीट फंसने की वजह इनका अहंकार है। और अगर आप आज देखें मित्रों तो इन्होंने जब अपना चुनाव प्रचार खत्म हुआ, सबसे बड़ी बात ये है कि ये लगातार 2 महीने तक, लगभग 1-1.5 महीने तक स्मृति ईरानी अमेठी के अंदर ही रही, और अब सोचिए कि अगर कोई केंद्रीय मंत्री इतनी बड़ी नेता आपको अपने आप को कहती है, और अगर वो 1-1.5 महीने से अपने चुनाव के दौरान संसदीय क्षेत्र में मौजूद है, इसके लिए मतलब है कि उनकी हालत कहीं ना कहीं वहां पे खराब है, तभी वहां पे वो लगातार मौजूद है। और सबसे बड़ी बात यह मित्रों कि उनका जो पूरा का पूरा एक मैनेजमेंट वहां पे किया गया, वहां उन्होंने बहुत मैनेजमेंट किया है, शुरू से ही वहां पे प्रधानों को सबको बहुत मैनेज किया गया है, किसको क्या क्या दिया गया है, बहुत सी बातें सुनने में आती रहती है, लेकिन बहुत कुछ तो जनता को दिया गया है, जनता को जो दिया गया है चाहे शौचालय हो, चाहे घर हो, चाहे राशन हो, उसकी वजह से जनता मोदी जी की वजह से, जनता मोदी और मोदी की योजनाओं की वजह से बीजेपी को वोट दे रही है। बाकी ये स्मृति ईरानी, मेनका गांधी, इन लोगों ने ज्यादा जो है ना पार्टी की छवि को नुकसान पहुंचाने का काम किया है, क्योंकि अगर स्मृति ईरानी की बात करें तो कार्यकर्ताओं के साथ अच्छा व्यवहार ना होना, अच्छा सलूक ना होना, ये सब चीजें जो बताती है वो बहुत निगेटिव जा रहा है यहाँ पे बीजेपी के वर्कर्स के लिए। मैं बताऊं आपको यहाँ अमेठी की जो स्थिति पूरी बनी हुई है इस वक्त, वो ऐसी स्थिति बनी हुई है अमेठी की कि यहाँ पे हम तो ये सोच रहे थे कि शायद अगर राहुल गांधी चुनाव लड़ेंगे अमेठी से तो शायद काफी ज्यादा स्थिति खराब हो जाएगी स्मृति ईरानी की, ऐसा हमको फील हो रहा था, लेकिन अब जो स्थिति मुझे लग रही है उससे मुझे एकदम साफ लग रहा है कि तो सिर्फ स्मृति ईरानी के अहंकार की वजह से, स्मृति ईरानी के व्यवहार की वजह से आज ये स्थिति है कि किशोरी लाल शर्मा जो खड़े हुए हैं
गेल शर्मा, लोग कह रहे हैं कि वहाँ वो भी जीत सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं। मतलब इस पूरी की पूरी अमेठी इतनी अच्छी सीट जो बीजेपी की बनके तैयार हुई थी, आज उस सीट की स्थिति जो है एकदम डामाडोल एकदम ऐसी हो चुकी है कि कोई उसका मतलब, लोग कह रहे हैं कि स्मृति ईरानी जीतेंगे भी तो बड़ी मुश्किल से जीतेंगे। हो सकता है स्मृति ईरानी जीते हैं लेकिन उतना मार्जिन नहीं रहेगा, हालत वैसी अच्छी उनकी नहीं है कि जो वो बहुत दम से कह सके। और ये बात नजर इसलिए आती है क्योंकि जब वो आज खबरें, आज कई जगह खबरें ये भी उड़ती उड़ती आई कि योगी जी के भी कुछ तनाव चल रहा है स्मृति ईरानी से, क्योंकि स्मृति ईरानी ने कहा, योगी जी पर आरोप लगाए कि आपकी वजह से हम चुनाव प्रचार नहीं कर रहे, दिक्कत हुई, यहाँ संगठन के लोग हमारा साथ नहीं दे रहे, आपके लोग हमारा समर्थन नहीं कर रहे। तो ये सब वहां पे सबसे बड़ी बात क्या मित्रों कि आप सोचिए आपके लोग का मतलब क्या है। दरअसल अमेठी जो है वो अमेठी के राजा संजय सिंह है, वो पुराने राजा वहां के, तो संजय सिंह जो है वो जरा भी इस बार सपोर्ट नहीं किए स्मृति ईरानी का। दरअसल संजय सिंह पूरी की पूरी अपनी पत्नी के साथ जो चले गए दिल्ली और उन्होंने चुनाव प्रचार में कहीं स्मृति ईरानी को सपोर्ट किया नहीं। संजय सिंह इस बार विधायकी हार गए थे, कहा यह गया कि संजय सिंह को विधायकी हराने में स्मृति ईरानी और उनके लोगों का हाथ था। तो इस बार जब चुनाव प्रचार जब अमेठी में चल रहा था, इस बार जब वोट पड़ रहे थे तो इस बार जो है संजय सिंह ने साथ नहीं दिया, तो उस पर जो है ये कहा स्मृति ईरानी ने जनता को कि आपके लोग हमारा साथ नहीं दिए। तो एक तरह से देखा जाए तो पूरी तरह से एक ब्लेम गेम की राजनीति कर रही है स्मृति ईरानी, और अभी से राजनीति कर रही है स्मृति ईरानी ब्लेम गेम की। इसका मतलब ये है कि कहीं ना कहीं उनको इस बात का डर है कि उनकी सीट जो है वो खतरे में है। और जो हम आपसे पहले भी ये बातें कह रहे थे, ये सब बातें लगातार कह रहा था कि स्थितियां जो है वो यहाँ पे स्मृति ईरानी की ठीक नहीं है, वो बात यहाँ पे साफ साफ समझ में आ रही है। बाकी हम चाहते तो है कि भाई बीजेपी जीते, लेकिन जो अहंकारी नेता है ये सबसे ज्यादा नुकसान मोदी का, आरएसएस का और हिंदुत्व का करने वाले नेता है, इनसे पार्टी को बहुत ज्यादा समझने की जरूरत है। बहुत अच्छी स्थिति जो है इसमें मेनका गांधी की नहीं बताई जा रही है, और उसकी वजह क्या है मैं आपको बताऊं, उसकी वजह भी बिल्कुल साफ है। उसकी वजह यह है कि दरअसल यहां पर भी जो ब्राह्मण वोटर है वो बहुत ज्यादा नाराज है बीजेपी से, और बीजेपी से नाराज नहीं है, नाराज कहें तो मेनका गांधी से बहुत नाराज है। वजह क्या है, इसकी वजह क्या है जरा समझिए। 8-9 महीने पहले यहां पे घनश्याम तिवारी केस हुआ था। अब घनश्याम तिवारी केस में क्या था कि एक यहाँ पे एक ब्राह्मण व्यक्ति थे, साधारण ब्राह्मण व्यक्ति थे, और उनका किसी क्षत्रिय ठाकुर से लेकर कोई विवाद चल रहा था, उनका विवाद क्या जमीन का विवाद था, और उसमें खबर ये आई कि ड्रिल से छेद करके उनको घनश्याम तिवारी को मार दिया गया। अब इस चीज को लेकर ब्राह्मणों में यहाँ पे आक्रोश हो गया, और उस पर जो है मेनका गांधी ने कोई बयान जारी नहीं किया, ना वो घनश्याम तिवारी घर गई, और इसके बाद 1 महीने बाद वो घनश्याम तिवारी के यहाँ पे गई और ये कह के आई कि आपको यहाँ पे जो भी मदद है आपको हम यहाँ करेंगे, लेकिन उन्होंने कोई मदद वैसी यहाँ पे करी नहीं, और कोई सरकारी नौकरी नहीं मिली, कुछ नहीं मिली उनको, जो कहा गया था वो सब कुछ हुआ नहीं। तो दूसरा ये कि यहाँ पे उसी घनश्याम तिवारी वाली रंजिश के मामले में जो विरोधी पार्टी थी उसका भी कोई एक व्यक्ति वहां पे मारा गया, कोई ठाकुर मारा गया, तो वहां पे वो पहुंच गई स्मृति ईरानी और उन्होंने बयान जारी कर दिया। तो मैं तुम्हें बताऊं यहाँ पे कि ये जो सुल्तानपुर की लोकसभा सीट है, यहाँ पे ब्राह्मण वोटर बहुत प्रभावशाली है, यहाँ पे कम से कम 15-20% मुझे लगता है ब्राह्मण वोटर होगा, बड़ी संख्या में यहाँ ब्राह्मण वोटर है, और ब्राह्मण वोटर इस चीज से बहुत ही ज्यादा दुखी है, बहुत ज्यादा नाराज है। अब यहाँ पे देखिए ये जो पूरा इलाका है, ये बताऊंगा आपको, जहां मैं इस समय ट्रेवल कर रहा हूँ सुल्तानपुर, ये राम मंदिर से लगभग मुश्किल से 30-40 किलोमीटर दूर ये इलाका है, लेकिन 30-40 किलोमीटर दूर इस इलाके में मैं आपको बताऊं कि यहाँ पे राम मंदिर कोई मुद्दा ही नहीं है यहाँ पे। हालांकि हमें आज भी याद है कि यहाँ पे लोग कहते थे कि अगर राम मंदिर बन जाएगा तो हम जिंदगी भर बीजेपी को वोट देंगे, भूल चुके हैं। अब यहाँ पे राम मंदिर कोई ही ऐसा मुद्दा नहीं है बहुत बड़ा, यहाँ पर जो मुद्दा है वो घनश्याम तिवारी केस एक बहुत बड़ा मुद्दा है। आप ही सामने रोड देखिए, ये जो रोड देख रहे हैं आप, ये रोड लग रहा है कि कोई स्विट्जरलैंड की और कोई यूरोप की रोड है। इस समय आप जिस रोड को देख रहे हैं आप, इतनी अच्छी रोड यहाँ की है, यहाँ पे ट्रेवलिंग बड़ी आसान हो चुकी है, यहाँ पे कहीं जाना हो कहीं आना हो, यहाँ पे रोडों का जो जाल का काम जो गडकरी ने किया बहुत अच्छा काम किया, लेकिन उसको लेकर के बीजेपी से लोग खुश भी हैं, अच्छा काम रोड का हुआ है। लेकिन देखिए अब रोड विकास ये सब यहाँ मुद्दा नहीं, यहाँ जो मुद्दा है वो क्या है, यहाँ मुद्दा है घनश्याम तिवारी वाला केस, ब्राह्मणों की नाराजगी। और मैं आपको बताऊं मेनका गांधी के कुछ जो लोग मुझे बताते हैं, वहां ये बताया गया कि कुछ कार्यकर्ताओं से उन्होंने अच्छा सलूक नहीं किया और वो कार्यकर्ता भी नाराज हो गए। तो यहाँ पर भी कल खबर ये आई कि एक यहाँ पे बावरे टाइप छवि रखते हैं, उनका नाम मोनू सिंह है, तो कल उन्होंने समाजवादी पार्टी ज्वाइन कर ली, तो वो भी उन्होंने संदेश दिया सब
राजपूतों को कि आप लोग बीजेपी को वोट मत कीजिए, तो वहां पर अमेठी में संजय सिंह का विरोध, राजपूतों का विरोध, यहाँ पर सुल्तानपुर में जो है ठाकुरों का विरोध और ब्राह्मणों की जो उछल जो एक विरोध चल रहा है, तो मेनका गांधी के लिए स्थितियां यहाँ पर अच्छी नहीं है। हालांकि फिर भी हम ये कह सकते हैं कि मेनका गांधी यहाँ पे चुनाव जीत सकती है, क्योंकि यहाँ पे बसपा का भी एक उम्मीदवार खड़ा हो चुका है लोकसभा का, तो यहाँ पे वोट कटेंगे तो जाहिर से बहुत बात है कि यहाँ पे निश्चित तौर पर बीजेपी मेनका गांधी आगे निकलेंगी। लेकिन यहाँ पर भी कई लोग कह रहे हैं कि सीट फंसी हुई है। अब हालांकि देखते हैं आगे क्या होता है और इस सीट पर क्या नतीजा रहता है। बहुत मेरी नजर रहेगी इस सीट पर, सुल्तानपुर की सीट पर नजर रहेगी, इसके अलावा मेरी नजर जो है वो अमेठी की सीट पर भी रहेगी। पर अमेठी को लेकर के तो मैं आपको बता रहा हूँ निश्चित तौर पे कि अमेठी की स्थिति बहुत खराब है स्मृति ईरानी की, वहां पे स्मृति ईरानी के लिए जीतना काफी मुश्किल है। और बाकी अगर हम बात करें आपसे सुल्तानपुर की, तो यहाँ पे भी स्थितियां बहुत अच्छी नहीं है, लेकिन देखते हैं क्या होता है। हम ये उम्मीद कर सकते हैं कि शायद सुल्तानपुर की सीट भी 20-25 हजार से हो सकता है कि निकाल लें मेनका गांधी। लेकिन मैं यहाँ पे अपनी स्पीडियो से संदेश क्या देना चाहता हूँ, संदेश ये देना चाहता हूँ कि प्रधानमंत्री मोदी जब रैलियां करते हैं तो वो कैसे बातें करते हैं, हाथ जोड़ते हैं, हाथ जोड़ करके भाई दीदी भैया वोट आपको हमको देना है, आप जनता जनार्दन हो, मतलब कहीं भी प्रधानमंत्री मोदी की इमेज से अहंकार नहीं झलकता है। सबसे बड़ी कमी भी क्या है, भले कितने घमंडी हो मैं नहीं पता, खुद कैसे हैं कहां कैसे रहते हैं हम नहीं जानते, वो तो प्रधानमंत्री आवास में रहते हैं, लेकिन जब वो लोगों के बीच में निकलते हैं तो विनम्रता झलकती है। लेकिन जो लीडर हो उसके अंदर विनम्रता होनी चाहिए, और यहाँ पे जो जनप्रतिनिधि हैं खासकर स्मृति ईरानी के तो बहुत विरोध हो रहा है उसकी वजह से, उनकी उनके एक बात करने के तरीकों को लेकर। आप यार मतलब कि गांव के लोग को आप क्या समझते कि गांव के लोग हैं तो क्या पागल हैं गंवार हैं, ऐसा नहीं हो सकता। गांव के लोग बहुत समझदार होते हैं, और आपको ये नहीं समझना चाहिए कि आप दिल्ली से आ रहे हैं तो आप आकर यहाँ पे डांट डपट कर लोगों से काम करा लेंगे, पैसा देकर के लोग चुनाव जीत लेंगे। तो इस तरह की चीजें जो है ये बीजेपी की छवि को, प्रधानमंत्री मोदी की इमेज को बहुत डैमेज करती है। और मैं अपनी बात को बहुत लपेट के बिना कहता हूँ, और मुझे इस चीज से कोई फर्क नहीं पड़ता कि इसमें कोई क्या सोचता है। मेरे भी अब 3 लाख सब्सक्राइबर हैं, वीडियो बहुत लोग देखते हैं, हो सकता है कि स्मृति ईरानी तक वीडियो पहुंचे, तो उनसे ये कहना चाहेंगे कि वो एक एज अ लीडर उनको चाहिए कि यहाँ पे लोगों से अच्छा व्यवहार करें, और जहां भी जाएं यहाँ चुनाव कहीं और भी जाएं तो अगर वो चाहती हैं सामाजिक जीवन में रहना चाहती हैं तो उनको अपने पूरे लहजे में एक विनम्रता लाने की बहुत ही सख्त जरूरत है, वरना उनका जो पॉलिटिकल करियर है वो कहीं का नहीं रह जाएगा। ये आप आगे आने वाले दिनों में देखेंगे, अगर उन्होंने अपने सुधार नहीं किया तो उनको बहुत मुसीबतें आगे झेलनी पड़ सकती। नमस्कार, धन्यवाद।